हम दोनों जिला प्लानी से हैं और हम यहाँ पे गंगापुरम गाड़ी बनाने आए हैं और बिल्कुल आपको डिटेल देंगे। अच्छा सर, ये आपको पता कैसे चला यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह बनती है? यूट्यूब से मालूम पड़ा। और यहाँ आने पे आपको काम कैसा लगा इनका? बहुत अच्छा काम है। आप संतुष्ट हुए? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हुए। चलो, और कुछ कहना चाहते हैं आपके उधर के लोगों को? बढ़िया जी, हाँ, कोई बनवाना चाहते हैं बनवाए। काम ठीक है इनका? हाँ, काम बढ़िया, संतोषप्रद काम है। चलो, बहुत बहुत रेट वगैरह सब अच्छा है। मैं राजस्थान जिला झुंझुनू शहर पिलानी। तो काम से आप संतुष्ट है? हम इनके काम से संतुष्ट हैं। किसी प्रकार की कोई चीटिंग वगैरह ऐसा नहीं? चीटिंग तो करेंगे तो हमारी आत्मा बोलेगी इनको, हम क्या बोलेंगे। ये भी बात सही है। तो कुल मिलाकर आपके अगर कोई आदमी उधर से काम करवाना चाहता है उसको क्या बताएंगे यहाँ आने का? आओ भगवान, खूब प्रेम से आओ, इनसे काम कराओ और इनसे संतोषप्रद अपना काम करा के लेके जाओ। अच्छा, काम ठीक है इनका? हमको तो ठीक लगा है क्योंकि इन्होंने बारीकी से काम किया है। अच्छा अच्छा, बस गुरु महाराज की कृपा हम पे बनी रहे, इनका भी काम धंधा खूब चले भगवान। दोस्तों, किसी को एलईडी बोर्ड अक्सर वगैरह की जरूरत है तो भी आप जिसके पुराने पड़ गए अक्सर लाइटें वही खराब हो गई तो भी आदिल भाई भेज देंगे। भेज दोगे सर? बिल्कुल सर, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट सर। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? जैसा कि आज आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैं आज आ गया हूँ नेशनल एसेस पॉइंट गंगापुर पे। और यहाँ पे क्या है, इन्होंने आइसक्रीम की लारी जैसे टेम्पो के ऊपर जो लगती है ना टाटा एस के ऊपर, ये बिल्कुल तैयार खड़ी करके रख रखी है। अगर कोई भी आदमी ऑर्डर दे तो तुरंत आके पेंटिंग वेंटिंग करवा के ले जा सकता है, ज्यादा उसको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार देख पाएंगे, ये इन्होंने एक दही बड़ा और इस टाइप की नाश्ते की गाड़ी टाटा एस पे तैयार कर दी है। ये देखेंगे अक्सर वगैरह भी कटिंग करके ये बाहर भेजते हैं। ये है कि इस गाड़ी का ढांचा तैयार हो रहा है, ये गाड़ी का काम चल रहा है। अभी कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी? लगभग एक घंटे में। एक घंटे में अभी ये गाड़ी भी तैयार हो जाएगी। हमारे साथ अंकल जुड़ गए जी। अंकल, थोड़ा आपका परिचय दे दीजिए। हम दोनों जिला प्लानी से हैं। हाँ। और हम यहाँ पे गंगापुरम गाड़ी बनाने आए हैं। अच्छा अच्छा, शुभ नाम अंकल आपका? कैलाश। अच्छा कैलाश जी, सर झुंझुनू से आए हैं ना? हाँ सर। तो ये किसकी गाड़ी, आपने क्या बनवाया सर? ये इसमें दही बड़ा चाट वगैरह बेचेंगे। अच्छा, दही बड़ा चाट वगैरह देंगे? दही बड़ा चाट, समोसा, रसगुल्ले और बिल्कुल आपको डिटेल देंगे। अच्छा सर, ये आपको पता कैसे चला यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह बनती है? यूट्यूब से मालूम पड़ा। अच्छा, यूट्यूब से मालूम पड़ा। हाँ सर। और यहाँ आने पे आपको काम कैसा लगा इनका? बहुत अच्छा काम है, बहुत व्यवस्थित है। हाँ, बहुत बढ़िया काम है। आप संतुष्ट हुए? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हुए। अच्छा, कैसे गाड़ी आपने वेट पे बनवाई या कैसे? वेट पे बनवाई, वजन पे बनवाई? वजन पे। अच्छा चलो, तो दोस्तों अगर वेट पे बनवाए गाड़ी तो संतुष्टि रहती है कि भाई कितना वजन अपन ले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये पता रहता है उसका वजन क्या रहता है ना सर। कितने दिन में आपकी गाड़ी तैयार कर दी इन्होंने? ये चौथा दिन आज। आज चार दिन, तो आप चार दिन से यही है? हाँ सर, यही। तो आप अपनी मनपसंद का बनवा रहे हैं? हाँ, मनपसंद। आंखों के सामने तैयार हो रहा है ना? चार हो रही है। चलो, और कुछ कहना चाहते हैं आपके उधर के लोगों को? बढ़िया जी, हाँ, कोई बनवाना चाहते हैं बनवाए। काम ठीक है इनका? काम बढ़िया, संतोषप्रद काम है। चलो, बहुत बहुत। रेट वगैरह सब अच्छा है? अच्छा, रेट वगैरह ठीक है, सब बढ़िया, काम में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। और कुछ कहना चाहते हैं सर आप? सब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी अंकल, नमस्कार। नमस्कार जी, सब नाम बताइए आपका। मेरा नाम मुकेश है जी। हाँ जी मुकेश जी, आगे क्या लगाते हैं पूरा? मुकेश शर्मा। अच्छा मुकेश जी शर्मा, कहाँ के हैं सर आप? मैं राजस्थान जिला झुंझुनू शहर पिलानी। अच्छा, पिलानी शहर से आए? हाँ जी। तो क्या बनवाया आपने ये? बस ये लोरी जो बन रही है। हाँ जी, ये हम लोग का ही है। अच्छा, आपका ही है? हाँ जी। कैसे काम कैसे हुआ आपके? काम संतोषप्रद है। अच्छा, काम संतोषप्रद है। हाँ जी। आज लोगों को आने की राय देंगे आप? हाँ जी। कितने दिन में तैयार होगी आपकी गाड़ी? हमारी गाड़ी चार दिन में तैयार हुई है। हाँ जी, चार दिन में तैयार होगी। हाँ जी। कितना वजन बैठ गया इस गाड़ी में लगभग? वजन तो इन्होंने 450-500 किलो के बीच में बताया है। हाँ जी, हाँ जी। और पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि इतना वजन होगा क्योंकि रेगुलर काम कर रहे हैं तो इनको नॉलेज है। बिल्कुल सही है। तो काम से आप संतुष्ट हैं? हम इनके काम से संतुष्ट हैं। किसी प्रकार की कोई चीटिंग वगैरह ऐसा नहीं? चीटिंग तो करेंगे तो हमारी आत्मा बोलेगी इनको, हम क्या बोलेंगे। ये भी बात सही है। हाँ, संतों की आत्मा बोलेगी तो पंडित जी की आत्मा निकलेगी, सही बात है। तो कुल मिलाकर आपके अगर कोई आदमी उधर से काम करवाना चाहता है उसको क्या बताएंगे यहाँ आने का? आओ भगवान, खूब प्रेम से आओ, इनसे काम कराओ और इनसे संतोषप्रद अपना काम करा के लेके जाओ। अच्छा, काम ठीक है इनका?
हमको तो ठीक लगा है क्योंकि इन्होंने बारीकी से काम किया है। अच्छा अच्छा, जैसे कोई भी चद्र काट रहे हैं, कोई पाइप काट रहे हैं, तो उसका पूरा देख रेख से अच्छी तरह नाप लेके चारों मेर से घुमा के चाहे दो बार देखना पड़ो काम कर रहे हैं। अच्छा, काम ठीक लगा बोलो। हाँ जी, है ना। हाँ जी, चलो और कुछ कहना चाहते हैं सर? बस गुरु महाराज की कृपा हम पे बनी रहे, इनका भी काम धंधा खूब चले भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे गुरु जी की फोटो जरूर लीजिए आप। गुरु जी की पूरी फोटो मैं ले लूंगा। बस बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। हाँ जी सर, थोड़ा परिचय दीजिए आपका। जी सर जी नमस्कार, मेरा नाम आदिल है, नेशनल एसेस पॉइंट। हम काफी वीडियो बना चुके हैं, फिर आपके लिए लाए हैं नए वीडियो और कुछ नए स्पेशल खास। तो अपने एक बार एड्रेस हो जाए अपनी दुकान जी का। सर अपना एड्रेस है साढ़ा चौराया ब्रिज के पास, गंगापुर भिलवाड़ा राजस्थान। बिल्कुल दोस्तों, देख पाएंगे ये गेट है और सामने ब्रिज देख पाएंगे और बिल्कुल पास में ही है। जी सर। तो सर अपन इसके बारे में शुरुआत कीजिए, अपना थोड़ा सा कैसे क्या है। जी सर, जैसे कि ये बॉडी आप देख रहे हो। हाँ जी। इसमें सर हम हमारे ऑनलाइन ग्राहकों के लिए इसमें और कुछ अलग लेके आए। अच्छा। अलग ये के लिए आए कि हमारे ऑनलाइन ग्राहक हमसे पूछते हैं। हाँ जी। कि सर आप कहते हो कि बॉडी बना के भेज देंगे, वहाँ पे कौन सा मिस्त्री आएगा इसको सेट करने के लिए? हाँ जी। या आप बंदा भेजोगे या हमें टेम्पो भेजना पड़ेगा? हाँ जी सर, हमने आज स्पेशली वीडियो इसी के लिए बना रहे हैं। हाँ जी। कि हम बॉडी को आपको बताना चाहते हैं कि हम कैसे सेट करके भेजते हैं और आपको कैसे वहाँ पे सेट करनी है। हाँ जी हाँ जी। इसमें आप नीचे देख सकते हो कि हमने इसको पिलर पे खड़ी की हुई है। ओके। आपको कुछ ही नहीं करना है इसको, जैसे ही हाइड्रो वाला उठाता है। हाँ जी। इसके नीचे के ब्रैकेट जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें टाटा एस का फर्मा लगा हुआ है। ये 100 पिलर है, ये ऐसे के ऐसे आपको आपके टेम्पो पे रखना है। हाँ जी। 100 नटे कसी और आपका धंधा चालू। वाह वाह, वेरी गुड। दोस्तों देख पाएंगे टाटा के जो टेम्पो के फर्मा है ना। जी सर। उसी फर्मे पे आपने बना रखा है, जाते नट बोल्ट टाइट करते ही धंधा चालू है ना। जी सर। जैसे कि कस्टमर हमें बोलते हैं कि हम 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, मैं तो कहता हूँ आप 5000 किलोमीटर दूर से भी हो। हाँ। पर ट्रांसपोर्ट से आपको सस्ता सुंदर काम हो जाएगा। हाँ। आपको आना जाना रस्ते का रिस्क कुछ भी वहन करने की जरूरत नहीं, हम सीधा यहाँ से बॉडी भेजेंगे, आप नट कस के और धंधा चालू और काम का चालू है ना। बिल्कुल सर, और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, आप ये बॉडी एडवांस में तैयार भी रखते हैं? जी सर, ये बॉडी हमारे यूट्यूब के ही कस्टमर। हाँ जी। गुजरात में सोमनाथ, बिल्कुल वहाँ पे पार्सल करनी है सर हमें। अच्छा, यूट्यूब से डायरेक्ट फोन पे ऑर्डर आया? जी सर, फोन पे ऑर्डर आया। उन्होंने कहा बॉडी सेट करने के लिए किसको भेजना है, क्या करना है। हमने उनको ये बोला आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा हाइड्रो से उठा के। हाँ। और सीधा ऊपर रखनी है। जी सर, कितना वजन हो गया? 400 से 425 किलो का वजन है सर। अच्छा, और क्या बजट में बैठ गया ये? सर लगभग 1,05,000 रुपए में बॉडी, 1,25,000 से 30,000 में बॉडी डेकोरेशन और 1.5 लाख रुपए में बॉडी बॉक्स पेंटिंग वगैरह कंप्लीट सेटअप आ जाता है। तो ये आपने वजन पे बनाई या मुकड़े बनाई? नहीं सर, हम वजन पे ही बनाते हैं सर। अच्छा, वजन पे ही बनाते हैं। जी सर। क्या रेट है सर वजन पे? सर वही 250 से 270 रुपए किलो के बीच में, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा मटेरियल यूज करते हो? सबसे टॉप क्वालिटी तो ASB जिंदल जैसे कि इसमें है। हाँ जी। उसके बाद में आप और वेरायटी सन सिटी लेना चाहते हो, अर्ने लेना चाहते हो, के ट्यूब लेना चाहते हो। हाँ जी सर, हम सबको ASB का ही एडवाइस देते हैं सर। वेरी गुड, माल अच्छा आता है ना, अच्छी क्वालिटी का माल। जी सर, नेक्स्ट ये क्या काम चल रहा है सर बॉडी? सर ये भी रनिंग बॉडी है, इसका काम चालू है सर। अच्छा अच्छा, ये ऑटो की टेम्पो भी जाएगी गाड़ी? सर ये भी टेम्पो पे जाएगी, ये भी ऐसे ही पार्सल होगी सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, और इसके बारे में बताइए सर थोड़ा। ये हम अपनी हर वीडियो में कुछ नया बताना चाहते हैं। हाँ जी। इस बार हमारे पिल्यानी से मुरारी जी हमसे जुड़े हैं। हाँ जी। और इन्होंने अपना फेमस धंधा है इनका दही बड़े का। अच्छा, जो बरसों पुराना बहुत प्रख्यात है, इनका बहुत प्रसिद्ध है। वेरी गुड। तो इन्होंने हमसे निवेदन किया था फोन पे ही। हाँ जी। यूट्यूब के माध्यम से। हाँ जी। कि आप हमारे प्रख्यात धंधे को और कैसे आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो हमने सर बोला कि आप जैसे आपके आपकी प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है, वैसे हम भी हमारा स्टील में फेमस काम करते हैं। हाँ जी। तो इन्होंने 2 दिन का समय निकाल कर हमारे साथ बैठ के हमने साथ में डिजाइन डेकोरेट किया। सब LED बोर्ड पेंटिंग हर चीज इन्होंने हमसे डिस्कस की। ओके। और हमने इनके अकॉर्डिंग सेटअप बना दिया है। वेरी गुड, शानदार सेटअप बनाया कि ये श्री मुनि जी चाट पिलानी के नाम से। जी ना? सर। तो इसमें आपने क्या क्या सेटअप और नया किया, एंटिक चीज? जी सर, इसमें दही बड़े का इनका मेन मुख्यतः इनका बिजनेस है दही बड़ा और लस्सी का। अच्छा अच्छा, तो सर उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर फ्रिज आएगा। हाँ जी। टेबल आएगी, काउंटर आएगा। ओके। बड़े रखने के लिए पानी वगैरह का सिस्टम वगैरह। हाँ जी, हाँ जी। सब कुछ इसके अंदर आएगा सर। शानदार। और इसमें गाड़ी में कितना वजन बैठ गया? सर लगभग इसमें 500 किलो का वजन है। अच्छा, 500 किलो वजन बैठ गया। जी सर। ये भी आपने वजन पे ही बनाई? वजन पे ही बनाई है। क्या रेट दी इसको? सर इनको 270 रुपए प्रति किलो के हिसाब से है। अच्छा अच्छा। और ये मोटा मोटा एट लास्ट मुरारी जी के लगभग 1,50,000 से 1,60,000 के बीच में इसकी कॉस्टिंग जाएगी। ऑल ओवर ड्राइंग, ये पेंटिंग वगैरह, LED बोर्ड सारे करके ऑल ओवर मिला के सर। वेरी गुड, शानदार। और काफी ये आपने सीढ़िया वगैरह नीचे कुछ एंटीक हटके चीजें बनाई है ना सर। और पीछे से भी पैक वगैरह गेट वगैरह सारा लगा है ना? बिल्कुल सर, पूरी पैक बॉडी होगी। जी सर। जी सर, नेक्स्ट बताइए। जी सर, नेक्स्ट जैसे कि आप देख सकते हो महाराष्ट्र से लखन जी मिसाल। हाँ जी। जो पूना के हैं, इनके बहुत फेमस काम है। हाँ जी। वड़े का।
अच्छा बड़े वाले, बड़े वाले दोस्तों क्या? देख पाएंगे लखन जी बड़े वाले काफी फेमस काम है इनका महाराष्ट्र से है ना। जी सर क्या किया इसमें आपने? ये जी सर, इसमें हमने एक तो कुछ अलग करने के लिए स्टील की सीएनसी कटिंग दी है। अच्छा ये सीएनसी कटिंग है सारी? जी सर, इसके अंदर लाइटिंग का सिस्टम है। अच्छा लाइटें लगेगी इसमें अभी? जी सर। दोस्तों काम चालू है अभी, ये सीएनसी कटिंग जितनी भी है ना इन सब में अभी लाइटें लगेगी। बिल्कुल ठीक है, ये सारा सीएनसी वाला काम हो गया। जी सर, इसके अलावा कांच का काउंटर। अच्छा काउंटर इसमें कांच का लग जाएगा? जी सर, इसमें ग्लास लग जाएंगे ताकि उनके वड़े कचोरी समोसे की उनका डिस्प्ले होता रहे। हाँ जी ठीक है। उसके अलावा ये काउंटर को हमने मतलब काउंटर में साफ सफाई करने के लिए दिक्कत होती है तो हमने इसको छोटे स्कूटर के व्हील पे सेट कर दिया। दोस्तों व्हील लगा दिए, मूवेबल है, इधर उधर ले जा भी सकते हो काउंटर, कोई दिक्कत नहीं। इसे साइज क्या बने काउंटर की? जी सर, ये 7x4 का है। सर 7x4 का काफी बड़ा काउंटर है, इसमें लंबा चौड़ा अच्छा काम हो सकता है ना। सर ये पूरा पैकिंग सिस्टम है, नाइट में पूरा पैक हो जाएगा। अच्छा नीचे भी स्टोर दिया? जी सर नीचे भी स्टोर है, इसके अलावा गल्ले। अच्छा स्टोर के गल्ले दे दिए नीचे? हाँ, काफी नीचे के लिए काफी बड़ा 7x4 का स्टोरेज है। 7x4 का स्टोरेज दे दिया, ऊपर भी मैंने कोई स्टोरेज दिख रहा है? बिल्कुल सर, ऊपर भी स्टोरेज है। जी सर, इस काउंटर में लगभग कितना वजन बैठ गया होगा? लगभग इसमें 300 किलो का वजन है और इसकी कॉस्टिंग लगभग सर 1,20,000 समथिंग जाएगी सर। अच्छा 1,20,000 जाएगी। 7x4 का काउंटर है ना? जी सर, 7x4 का काउंटर, पैकिंग सिस्टम है। उसके अलावा ये चेन दिख रही है, हाँ जी, इस पे अपन पल्ले को चाहे जैसा एडजस्ट कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना लटका सकते हैं। जी सर, छाया के लिए बारिश के टाइम पे हर जगह यूज कर सकते हैं। और एलईडी बोर्ड आपने तीन तरफ इसमें भी लगा रखे हैं? जी सर, एलईडी बोर्ड हमने तीन तरफ पार्टी की रिक्वायर्ड अनुसार लगाए हैं सर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा शानदार है। और अब इसके बारे में बताइए, ये मैं छोटी गाड़ी देख रहा हूँ आइसक्रीम सर, ये छोटी गाड़ी आप देख सकते हो सर, इसमें मटका कुल्फी वाला सिस्टम आएगा सर। अच्छा मटका कुल्फी वाला सिस्टम है? जी सर। क्या क्या है इसमें थोड़ा बताइए? इसमें आप देख सकते हो जैसे कि हमने एक बॉक्स दिया है, बॉक्स बना दिया आपने? जी सर, बॉक्स लगा भी दिया। बिल्कुल सर, बताइए इसको सर। इस बॉक्स में जो बीच का जो पार्टीशन है आप देख सकते हो सर, मटके के आकार का है। अच्छा बहुत बड़ा है ये? बिल्कुल सर। वेरी गुड। बिल्कुल, तो इसमें जैसे कि बचपन में आपने देखा होगा मटके वाला, मटके में कुल्फी लेके आता था। हाँ जी हाँ जी जी, उसी टाइप का कुछ हमने नया कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया है। वेरी गुड। ये मुंबई लगेगा सर। अच्छा मुंबई जाएगा? जी सर मुंबई। और ये बाकी छोटे जो खांचे हैं ये? सर छोटे खांचे हमने शेक के लिए इनके लिए दिए हैं। अच्छा बादाम शेक वगैरह कुल्फी वगैरह ये कुछ भी और आइटम आप रख सकते हो? जी सर, फालूदा वगैरह भी रख सकते हो है ना। अच्छा अच्छा, और ये जैसे गाड़ी है तो पूरी ऑल ओवर पूरी कंप्लीट कितने में पड़ गई सर? सर समथिंग ये बॉक्स लाइटिंग डेकोरेशन टायर वगैरह सर सब मिला के लगभग ये 90,000 से 1,00,000 रुपए के बीच की इसकी कॉस्टिंग आती है सर। जी बताइए, और इसमें अपन ने क्या स्पेशल किया है? सर इसमें अपन ने और स्पेशल में आप देख सकते हो कि इसमें अपन ने डबल कटिंग वाले लेटर दिए हैं। अच्छा लेटर में डबल कटिंग है? जी सर लेटर में डबल कटिंग। जैसे ये सिंगल कटिंग के लेटर आते हैं और ये इन्होंने डबल कटिंग किया है, नीचे व्हाइट ऊपर रेड और एक्स्ट्रा दे दिया है ना? जी सर। ठीक है बताइए और? जी सर, इससे कि सर लाइटिंग में मतलब अलग ही इफेक्ट आता है। अच्छा दूर से फोकस? जी सर। और अपन ने इसकी प्रिंट वगैरह को ब्रांड करने के लिए सर ब्लैक पैटर्न का यूज लिया है ताकि शाइनिंग नाइट में एक्स्ट्रा मारे सर। अच्छा ये वाला आपने ब्लैक यूज किया? जी सर। अच्छा ताकि दूर से रात को अच्छा दिखे? जी सर। वेरी गुड, शानदार बनाया आपने, अच्छा काम किया है। जी सर। तो और कुछ बताना चाहते हैं सर? और आप सर देखना चाहते हैं तो आप हमारे बॉक्सों का प्रोडक्शन देख सकते हैं सर। अच्छा आप बक्से भी बनाते हैं? जी सर बॉक्से भी बनाते हैं। बिल्कुल दिखाइए सर, बॉक्सों का भी दिखा दीजिए। जी सर, जैसे कि आप देख सकते हो ये अपनी बॉक्स की वर्कशॉप है सर। अच्छा यहाँ पे बॉक्स बनते हैं आपके? जी सर बॉक्स। दोस्तों देख पाएंगे आगे इनकी गाड़ियां तैयार हो रही है और पीछे ये जैसे आगे इनका स्पेस है और पीछे का जो इन्होंने लगा रखा है ना, पीछे ये शेड बना रखा है जहाँ ये बॉक्से बनाते हैं। जी सर आप देख सकते हैं जैसे कि जो साइज आप बोलो, हाँ जी, जितने लीटर का आप बोलो, हाँ जी, हम आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग पफ वाले बॉक्स है। अच्छा तैयार कर सकते हैं सर। अच्छा ये जैसे ये पड़ा है तो ये कितने लीटर का सर? सर ये 45 लीटर के तीन खाने हैं सर। अच्छा ये टेम्पो में लगेगा टाटा में? किसमें लगेगा? टेम्पो टाटा है, टेम्पो के पीछे आपने देखा होगा जो बॉक्स रहता है वो यही है सर। अच्छा यही वाला है? जी सर। और ये जो बन रहे हैं ये मुझे छोटे लग रहे हैं थोड़े ना? जी सर, ये लोरी के अंदर 10x10 6 खाने के बॉक्स है जिसमें 18 लीटर माल आता है सर। वेरी गुड, शानदार। जी सर, और ये दोस्तों देख पाएंगे इनकी मशीन वगैरह फोल्डिंग बेंड करने के लिए, ये इनके स्टील के जो रोल है ना, जो बड़े से रोल आते हैं प्योर, ये जो स्टील का काम होता है ये कौन सी स्टील में होता है सर? सर ये 202-304 दोनों वेरायटी। अच्छा इसमें भी 202-304 दोनों आती है? जी सर। ये भी आपने कोई बक्सा तैयार कर रखा है क्या? जी सर, ये भी हमने बक्सा तैयार कर रखा है, इसके अंदर पब भरना बाकी है। आप देख सकते हो सर जी, जैसे कि ये ओपन बॉक्स है। अच्छा ये खुलने के बाद उल्टा ऐसा रहता है, हम ड्रमों को ऐसे सेट करते हैं। अच्छा ये जैसे दोस्तों ये जो खांचे हैं इसमें पब भराएगा ताकि आपका बर्फ पिघले नहीं? जी सर। और लॉन्ग टाइम तक चले, ठंडक बरकरार रहे ना? जी सर। जी जी बताइए और बताइए। जी सर, इसके अलावा हम आपको बताते हैं जैसे कि सर ढक्कन। हाँ जी सर, जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ढक्कन को भी यूं ही नॉर्मली ना बनाकर उसके अंदर भी पब भरते हैं सर। अच्छा ढक्कन में भी पब भराएगा? जी सर, ढक्कन में भी पब भरे ताकि चारों तरफ से आपके माल को एकदम ठंडक मिले, कूलिंग बरकरार है। जी सर, हम लगभग फ्रिज के लेवल का बॉक्स आपको बना के देते हैं सर। दोस्तों इसमें जो ढक्कन है इसमें भी पब भराएगा, उसके बाद ये जो इसकी पैकिंग है कवर, उसके बाद कवर होगा। जी सर, जैसे इन्होंने खांचा लगा रखा है। जी सर, पूरा सेटअप इस टाइप से बनेगा कि इसमें पब भरा के पराने के बाद फिर ये पैकिंग होगा ना।
जी बिल्कुल बताइए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी क्वालिटी को अच्छा से अच्छा मेंटेन करने के लिए पॉलिश वाला माल, बिल्कुल पॉलिश वाला माल, पीवीसी माल। अच्छा, ये वाला भी है, दोनों तरह का है? जी सर, अच्छे से अच्छी वेरायटी हम यूज करना चाहते हैं ताकि बॉक्स की एज और उसकी क्वालिटी अच्छी बरकरार रहे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, शानदार। जी सर, तो अब आप ये बताइए कि और क्या कहना चाहते हैं आप दर्शकों को, थोड़ा ये बताइए। जी सर, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने मुनी जी को भी देखा सुना होगा। हाँ जी। इन्होंने अपने हिसाब से हमसे इनका प्लान शेयर किया। हाँ जी। और हमने आपस में डिस्कस करके दोनों की केमिस्ट्री बैठा के, हाँ जी सर, हमने इनका काम कर दिया सर। अच्छा अच्छा, सर से भी आपको मिलवाया, सर से भी परिचय करवाया, मुनी जी से भी करवाया, और इस टाइप का अपन ने सेटअप पूरा जमाया कि बाहर से जैसे सर भी यूट्यूब के वीडियो देख के आए हैं तो कुछ इनको लगा होगा। तो ऑल ओवर काम की क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे क्या है, आप अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है सर, और कुछ बताना चाहते हैं सर? जी सर, हम अपने इस चैनल के माध्यम से, बाबा जी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप कोई भी भारत के किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, हाँ जी, आप आपका आइडिया सर हमें ऑनलाइन बता सकते हो, हाँ जी, फोन पे बता सकते हो, हाँ जी, या यहाँ पे आके हमारे साथ आपका आइडिया शेयर करके चाहे जैसा फैब्रिकेशन चाहे जैसा वर्क करवा सकते हो। जब कोई कस्टमर हमसे जुड़ता है तो एक उससे लगाव, एक परिवार सा लगाव हो जाता है सर। हाँ जी। जब वो जाता है तो सर एक हृदय में अलग सी भावना रहती है। हाँ जी। एक दो तीन दिन में ही बहुत अच्छा संबंध, बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है। हाँ जी। और हमें भी कुछ कस्टमरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ हाँ। जरूरी नहीं है कि सारे ही आइडियाज हमें भी हो। अच्छा। कुछ कस्टमरों की जो फैसिलिटीज होती है उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वेरी गुड। कुछ नया काम करने में मजा आता है, दिलचस्पी आती है। हाँ जी। तो सर हम यही कहना चाहते हैं कि सर जो आपका आइडिया हो, हाँ जी, या आप हमसे शेयर करो, हम हाँ उसमें कुछ एडवाइस करें या आप कुछ आइडिया लेके आओ, हाँ जी, उससे सर बेहतर से बेहतर सर आपको साधन बना के दे सके सर। तो दोस्तों आपको दिखाया अभी पूरा आइसक्रीम की गाड़ी, जो हाथ लारी जो बन रही है, जो धक्का देने वाली है, आपका जो काउंटर बन रहा है वो दिखाया आपको, ये जो श्री मुनि जी चाट पिलानी जो गाड़ी आई हुई है, ये पाव भाजी वगैरह, ये दही बड़ा वगैरह सारा चीज बनाएंगे, ये भी आपको दिखाया, और इधर जो काम चल रहा है जो नया टेम्पू के लिए जो गाड़ी तैयार हो रही है ये भी आपको दिखाया, ये इनकी टीम भी बिल्कुल तैयार है, लगातार काम कर रही है, ये भी आपको दिखाया। और उसके बाद में जो रेडीमेड जिनका टेम्पू नहीं भेज के आप सिर्फ फोन पे ऑनलाइन ऑर्डर दोगे तो भी आपके गाड़ी पहुंच जाएगी, और किस प्रकार से गाड़ी बनाते स्टैंड के ऊपर और ये भेज देंगे ताकि आपको नट बोल्ट फिट टाइट करके आप अपना धंधा चालू कर सकते। तो इस प्रकार के काम के लिए बिल्कुल मैं नंबर दे रहा हूँ नेशनल एसेस पॉइंट गंगापुर, बिल्कुल आप फोन करें, अपना ऑर्डर दें और बिल्कुल अपने धंधे को चालू करें, कम से कम पैसे में भी ये करवा देंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे, जैसा आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसा आप काम करवाना चाहते हैं आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बने रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।